नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, मतलब वीवीएल। तो वीवीएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है अभी 2 लाख करोड़ पहुँच चुके हैं। देखिए, इस कंपनी के ऊपर जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, जब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तब इसका मार्केट प्राइस 50,000 करोड़ से भी नीचे था। तो आज सोचिए 2 लाख करोड़ बच चुके हैं, मतलब मार्केट कैप ही 4 गुना बढ़ चुके हैं, और वो भी कोविड के बाद। तो कोविड के पहले इस कंपनी का हालत उतना खास नहीं था, कोविड के बाद ही कंपनी रॉकेट की तरह भागा। और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही डाउट्स है, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी के जो पैटर्न्स बना है उस पैटर्न्स के बेसिस में मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन तो बनाए हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, उस रेंज के बेसिस में जब ब्रेकआउट किया, जब रिटेस्ट किया, तो इस जगह पे एंटी बना था। और मैंने स्टॉप लॉस जो रखा हूँ वो करीबन करीबन 14% के आसपास, और जो टारगेट रखा गया है, मतलब टारगेट जो मैं लेकर चला हूँ, वो करीबन 45 रुपीज़ के आसपास। मतलब यहाँ पे टारगेट जो बना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट बना है। जब इस तरीके से कोई भी रेंज बने तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो उस ब्रेकआउट की जगह से आपको नीचे लेवल तक यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। और मैं हमेशा इस तरीके से स्टॉप लॉस जो लेता हूँ उस बेसिस में, देखिए मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ, मतलब 1% का स्टॉप लॉस, 3% का टारगेट। बहुत सारे लोग 1:4 रेशियो का, बहुत सारे लोग 1:1 रेशियो का, तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं इस तरीके से डिसीजन लेकर चलता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत टाइम प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉसेस भी होता है। तो इसलिए मैं जरूर कहूँगा रिस्क को आपको मैनेज करके काम करना पड़ेगा। आप किसी की बात सुनकर काम कर रहे हैं, मेरे बात सुनकर भी काम कर रहे हैं, तब बुरी तरीके से फंस सकते हैं, मतलब आपका लॉसेस भी आपको झेलना पड़ता है, पड़ सकते हैं। इसलिए पहले आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न्स में कोई दम है, क्या सही में इस पैटर्न्स में प्रॉफिट मिलता है। तो तब आपको एक क्लियर कट विजन और क्लियर कट आपको एक डेटा अपडेट मिलेगा जहाँ पर आप इजिली उस कंपनी के ऊपर टिके रह सकते हैं। जैसे वरुण बेवरेजेस के ऊपर मैं पहली बात बता दूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी के जो ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो इस बार हाइस्ट देखने को मिला, जो अराउंड 29% के आसपास है। उसी तरीके से अगर ROC देखा जाए तो वो भी हाइस्ट बना है, 29% के आसपास, और डेप्थ पहले भी जितना था आज भी उतना है। मतलब कर्जे को कंपनी अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, कंपनी कर्जा लेकर ही चल रहा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कंपनी का जो कर्जा यहाँ पे लिया गया, क्या वो उस कर्जे को मिटा पाएंगे? देखिए, उसके लिए कंपनी के ऊपर मैं आपको एक चीज़ को नोटिस कराऊंगा, जो कंपनी इस बार कर्जा लिया करीबन 5,400 करोड़। तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है, 6,200 करोड़, फिक्स्ड एसेट कितना है, 8,000 करोड़। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कंपनी इजीली उसके कर्जे को मिटा सकते हैं। और तीसरी बात, कंपनी के जो आधा एसेट है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए इन्वेंटरी कितना है, 2100 करोड़, मतलब कंपनी की इस बार हाइस्टली इन्वेंटरी है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस बेसिस में इन्वेंटरी अच्छा खासा है, जिसको बेचने के बाद कंपनी को अच्छा खासा पैसा आएगा। और उसके साथ साथ ट्रेड कितना रिसीव किया है, करीबन 359 करोड़ के आसपास, हाथ में कैश कितना है, 450 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो डेटा अपडेट है वो क्लियर कट यही बता रहा है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, कंपनी इस बार आज तक की हाइस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, जो अराउंड 3,200 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल में सिर्फ 1,800 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सिचुएशन बना, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम मतलब परचेज ऑफ सॉरी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार जितना कर्जा लिया तो उसके 50% कर्जा कंपनी मिटा भी दिया। तो ओवरऑल कंपनी जितना कर्जा लिए चले जा रहा है उसके बेसिस में कंपनी कर्जे को मिटा भी रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कर्जा लेते ही चले जा रहे हैं, कंपनी ने कर्जे को नहीं मिटाया, ऐसे हुआ नहीं। कंपनी इस चीज़ को ऑब्वियसली एक अच्छा खासा पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और इस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बहुत जितना आज है उतना भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने से लेकर कुरकुरे, लेज, डोरेटोज, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, तो जिसके चलते कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि मैं जो ट्रेड लिया हूँ उस ट्रेड के बेसिस में आप ट्रेड मत लेना, आप सिर्फ स्टडी करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेक। तो इस कंपनी के ऊपर भी मैं बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ,
क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लिया। फिलहाल के लिए इस कंपनी के वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई हो चुका है। अगर मैं इस पी रेशियो को मैं अगर आपके सामने देखो तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 370 के आसपास, वहाँ से पी रेशियो कहाँ पे आया 186 के आसपास, ओवरऑल पी रेशियो कितना है 5 साल की 150 के आसपास। मतलब कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी हाई है और कंपनी के खुद के पी रेशियो भी हाई है। तो जिस बेसिस में मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूँ कंपनीज के ऊपर इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने में टाइम लग सकते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वहाँ पे देखेंगे सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन किया। साल भर के डेटा के बारे में बात करूँ कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस बार थोड़ा सा कम हुआ, सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा कम हुआ। पिछले लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसी लिए कंपनी अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। 10 साल में 66%, 5 साल में 60%, 1 साल में 100% और 3 साल में भी 100% के आसपास। तो ओवरऑल अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने का दम है। सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का वो है कंपनी के बैलेंस शीट, जहाँ पे कंपनी का 60 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ के 800 करोड़ हो चुके हैं, मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के रिजर्व बढ़ा। उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट 800 से 330 बना, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास फिक्स्ड एसेट बढ़ा। उसी तरीके से बोरिंग्स के बारे में बात करते तो 39 से लेकर 121 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिला, मतलब कर्जा भी है तो कर्जे को कंपनी कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन भी कर रहा है, क्योंकि कंपनी के हाथ में जो पैसा है अगर उस पैसे के बारे में बात करूँ तो 175 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है और उस हिसाब से कंपनी के 121 करोड़ का कर्जा है। तो इजीली खुद के हाथ में जो पैसा है उस पैसे से ही खुद के कर्जों को मिटा सकते हैं। तो जो लोगों का डाउट है इस कंपनी के ऊपर क्या सही में प्रोमोटर पैसा मिटा पाएंगे, सॉरी कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट उसका कर्जा चुकता कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। तो उसके साथ साथ इसीलिए म्यूचुअल फंड ने जो होल्डिंग जीरो रखा था वो होल्डिंग बढ़ाया। FS के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है, 8% पहले भी था आज भी 8%, 8.5% के आसपास है। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर जब मैंने ट्रेड लेने का डिसीजन लिया वो कुछ इस तरीके से, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं बना क्योंकि हाई वैल्यूएशन के कारण कंपनी के ऊपर लगातार एक करेक्शन हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया वहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो यहाँ पे एक कप बनेगा, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट करे तो यहाँ पे एक एंटी बन सकते हैं। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, बाकी आप किस किस बेसिस में तैयार है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो अपडेट है जिस कंपनी का नाम है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। तो बेसिकली वेदांता के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि आप वेदांता के सही में फ्यूचर में फिर से अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वेदांता के ऊपर जिस तरीके से मैनेजमेंट ने ट्रिक्स खेला, जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रिक्स यूज़ किया वो सचमुच देखने का लायक है। क्योंकि चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना, जो कंपनी एक टाइम 3,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट कर रहा था वो अचानक 19,000, 40,000, 20,000 करोड़ का डिविडेंड क्यों दिया? क्योंकि कंपनी के कुछ टिक्स यूज़ किया, उस टिक्स यूज़ करने के बाद कंपनी को ही डायरेक्टली फ़ायदा मिला और पब्लिक को लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा डिविडेंड मिला तो मुझे ही फ़ायदा मिला है। बिल्कुल नहीं। देखिए डिविडेंड हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी कंपनी डिविडेंड बोनस स्प्लिट अनाउंसमेंट कर रहा है आपके जेब के पैसे से ही वो दे रहा है, मतलब आपके जो देखिए एक में सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ में आपको प्रॉफिट होता, हमेशा प्रॉफिट हो रहा, मतलब प्रॉफिट होता है कि 120 रुपीज़ का, तो आपका 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो क्योंकि आपने 100 रुपीज़ लगाया और 120 रुपीज़ मिला, मान के चलिए इस बार आपको 120 नहीं 130 रुपीज़ मिला, तो एक्स्ट्रा तो 10 रुपये मिल गया। तो इस 10 रुपीज़ से कंपनी क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उसको क्या कर रहे हैं, इस 10 रुपीज़ में उसको बोनस दे दिया। तो आपको क्या लग रहा होगा कि आपने उसको बोनस एक्स्ट्रा दिया? बिल्कुल नहीं, आपके जेब से नहीं दिया, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ उससे दिया, जो उसका हक था, मतलब जो शेयर होल्डर थे उसका हक था इस 130 रुपीज़ के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से उसको रिटर्न मिलना चाहिए था, मगर रिटर्न तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस 30 रुपीज़ के 10 रुपीज़ क्या किया, वो बोन डिविडेंड के हिसाब से दे दिया। तो कहने का मतलब है कि खुद के पैसे से ही खुद को पैसा मिलता है। हाँ आप कहेंगे तो क्या सर ऐसे कोई कंपनी है जहाँ पे डिविडेंड कम मिलता होगा वहाँ पे क्या मैं निवेश करूँ? देखिए ऐसे बहुत कम कंपनी आपको मिलेगा शायद कंपनी डिविडेंड ना दिया हो। तो उनमें से एक डीमार्ट भी है, MRF के बारे में बात करूँ वहाँ पे स्प्लिट बोनस आज तक नहीं मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी से जहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन बना है।
तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि डिविडेंड मिला कि नहीं मिला। आपको ये देखना कि आप जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, उस कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है। मैं इस वेदांता के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेनेंस में कंपनी लगातार वोलेटिलिटी के हिसाब से रहता है। कुछ टाइम में 7,000 करोड़, कुछ टाइम में 3,000, कुछ टाइम में 2,000, कुछ टाइम में लॉस। मतलब कंपनी में कुछ ठिकाना नहीं है कि कंपनी कहाँ से कहाँ जाए। फिर भी मैंने कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था, ऑब्वियसली रिस्की ट्रेड लिया था, मैंने पहले आपको डिस्कशन किया था, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेड बना वेदांता के ऊपर कुछ इस तरीके से कप विद 100 पैटर्न्स के बेसिस में बना था, तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ। और मैंने ट्रेड इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने दिनों के इस जगह पे होल्ड करने के बाद फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया तो एक पॉजिटिव धमाका हो सकता है। तो फाइनली वो पॉजिटिव धमाका भी हुआ और अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पे बना हुआ है, तो जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डीपली जो ग्रोथ हुआ उसके ऊपर मैंने काम किया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखें, उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।